तार रैपर की दुनिया में टॉप पर्सनैलिटी माने जाने वाले दिलीन नायर उर्फ रफ्तार का जन्म 16 नवंबर 1988 को केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उनकी माता जॉब किया करती थी जबकि उनके पिता रेलवे में काम किया करते थे। बचपन से ही रफ्तार की सिंगिंग और डांसिंग में दिलचस्पी रही जिसके चलते उनके माता पिता ने रफ्तार को आगे बढ़ाने में काफ़ी सपोर्ट किया। बचपन में रफ्तार जो चीज़ माता पिता से मांगते हैं तब उनके पिता उनकी मांगों को पूरा करते थे। रफ्तार का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। हालांकि रफ्तार को यह पता नहीं था लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार की हालतों को समझा और खुद कुछ करने का ठान लिया। अपने सिंगिंग और डांसों को आगे ले जाते हुए रफ्तार ने दिल्ली जाने का ठान लिया। इनके बाद रफ्तार दिल्ली आ गए और उन्होंने एक डांसर के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने डांस इंडिया डांस में एक प्रतियोगिता के रूप में हिस्सा लिया और सिलेक्ट भी हुए। हालांकि वह लंबे समय तक इस कंपटीशन में नहीं रहे जिसके बाद उन्होंने अपना हाथ सिंगिंग में आजमाया। उन्होंने सिंगिंग के साथ साथ रैपिंग भी करना शुरू किया। इसी बीच रफ्तार की मुलाकात लील गोलू और इक्का से हुई जहाँ तीनों रैपिंग सॉन्ग किया करते थे। उस समय का ओरकुट फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जहाँ रफ्तार और उनके दो साथी रैपिंग रिकॉर्ड का ओरकुट पर अपलोड किया करते थे। रफ्तार और उनके दो साथी रैंकिंग में आगे जाते हुए दिख रहे थे। रफ्तार रैप की दुनिया में अपना नाम बनाने लगे थे। इसी बीच रफ्तार माफिया मुंडी ग्रुप में जुड़ गए। इस ग्रुप में बड़े बड़े नाम शामिल थे क्योंकि रफ्तार इस ग्रुप में हनी सिंह बादशाह अल्फाज और जेस्टा के साथ शामिल हो गए। इस ग्रुप के सभी स्टार कड़ी मेहनत करने लगे और इंटरनेशनल विलेजर नाम की एक एल्बम रिलीज की जा इस एल्बम के कई गाने पॉपुलर हुए। लेकिन वहीं रफ्तार काफ़ी निराश थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी जिसके अनुसार उन्हें इसका फल नहीं मिला और अंत में रफ्तार ने माफिया मुड़ी ग्रुप छोड़ पंजाबी ब्रांड RDB में शामिल हो गए। लेकिन यह ग्रुप भी किसी कारणवश अलग हो गया। बता दें कि RDB ब्रांड के सिंगर मंज म्यूजिक ने रफ्तार का काफ़ी साथ दिया। यहाँ से रफ्तार की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया क्योंकि रफ्तार अब सिंगल ट्रैक गाना गाने लगे थे और यहीं से रफ्तार की सफलता की कहानी शुरू हुई। क्योंकि रफ्तार ने कई प्रसिद्ध गाने गाए जिसमें उन्होंने तमंचे पे डिस्को और स्वैग मेरा देसी सॉन्ग गाया जिसमें उन्हें दीप मनी और मंजू मैजिक के साथ काफ़ी प्रसिद्ध मिली। इसके बाद उन्होंने 2014 में BBM, 2015 में देसी हिप हॉप और 2017 में बेबी मर्रा के मारे की में रैप गो का किया। उसके बाद रफ्तार ने 2018 में शेख चिली रैप सॉन्ग किया जो काफ़ी पॉपुलर हुआ और लोगों की जुबा पर चढ़ने लगा। ये गाना रफ्तार ने मशहूर भारतीय रैपर एमिवा बंटाई के ऊपर बनाया था क्योंकि शुरू से ही रफ्तार और एमिवा बंटाई का विवादों में देखा गया है। रफ्तार ने इस गाने के बाद कई शानदार गाने गाए। उन्होंने हाल ही में गना कसूटा बाबादा हाउ टू हेड और इमेज जैसे कई रैप सॉन्ग किए। वर्तमान में रफ्तार भारत के साथ साथ उन चुनिंदा रैपरों में से एक है जिन्होंने अपनी सफलता बेहद ही कम समय में हासिल की। बता दें कि रफ्तार ने सिंगिंग जगत के साथ साथ कई टेलीविजन शो में भी नजर आए। उन्होंने साल 2015 में झलक दिखला जा सीजन 8 में एक प्रतियोगिता के रूप में नजर आए। इसके बाद रफ्तार ने साल 2018 में रूडी एक्सट्रीम में एक गैंग लीडर के रूप में भी भूमिका निभाई, अपनी टीम को कई हद तक आगे ले गए। साल 2019 में वह दोबारा MTV रोरीज के मंच पर एक गैंग लीडर के रूप में नजर आए। 2019 में ही रफ्तार ने रैपिंग टेलीविजन शो MTV हसल में एक जज के रूप में दिखे। रफ्तार की पत्नी नाम कोमल वोरा है जिन्होंने 1 दिसंबर 2016 को शादी की। लेकिन शादी को कुछ महीनों बाद रफ्तार और कोमल वोरा के बीच दरारें पैदा हो गई और बात यहां तक पहुंच गई कि उनमें तलाक लेने जैसी नौबत आ गई। हाल ही में उन्होंने 2022 में तलाक के लिए अर्जी दी है जिसकी वजह से उन्हें 16 अक्टूबर 2022 को डिवोर्स पेपर पर साइन करने होंगे। उन्होंने डिवोर्स के लिए पहले भी अर्जी दी थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह मामला रुक गया था।